आपने हर तरह का चाइनीज फूड खा लिया है तो एक बार ये चाइनीज कोल्ड बेल ट्राई करके देखिए, आपके तोते उड़ जाने वाले हैं। क्योंकि इसको बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक और अलग है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो किसी भी भेल में नहीं डाले जाते हैं, और खाने में इतनी बढ़िया और क्रिस्पी लगती है ना कि आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। क्योंकि ये बेल बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी और हर शहर और हर सिटी में अभी पहुँच चुकी है, और इसका टेस्ट हर जगह पर अलग अलग मिलता है। तो देखिए भाई, इसकी आज दिखाएंगे आपको प्रिपरेशन कि कैसे इस भेल को बनाया जाता है और कितने ही इसमें इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। और ये भेल आपको जैन में और नॉर्मल में दोनों में मिल जाने वाली है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट अलग अलग तरह से पड़ते हैं। तो ये देखिए, स्टार्टिंग कर दिया है, तो इसमें ले लिया गया है कैबेज, जिसको इन्होंने बारीक तरीके से काट लिया गया है। और इसके बाद में इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स, और इसमें बढ़िया से इसको मिक्स करने के बाद में इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट डाले जाएंगे, ताकि ये इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया रहे। तो देखिए, पहले डाल दिया गया है ग्रीन ऑनियन, उसके बाद में हरा धनिया डाल दिया गया है, और उसी में डाल दिया गया है बीट, और इसमें रहने वाला इनका स्पेशल मसाला जिसमें जीरा और काला नमक और बहुत से मसाले डाले जाते हैं, जिससे इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाने वाला है। और इसके बाद में इसमें डाले जाने वाला है एनर्जी ड्रिंक, जो कि लेमन का जूस रहता है, जिससे इसका जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही टेंगी और बहुत ही बढ़िया रहता है। जबकि खट्टा मीठा टेस्ट रहता है ना, बहुत मज़ा आता है। और इसका जो अभी टेंगीपन है वो डाल दिया गया है, और इसको अभी कर लेंगे एकदम मिक्स। और मिक्स करने का बहुत ही यूनिक तरीका है इनका, जैसे कि चक्री घूमती है ना वैसे ही इसको घुमाया जाता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद में इसमें जो दूसरी आइटम डाली जाएगी वो रहने वाली इनकी सेजवान चटनी। तो ये देखिए भाई, ये रहने वाली इनकी सेजवान चटनी, जो कि घर पे ही बनाई जाती है और बहुत ही बढ़िया रहती है। और ऊपर से डाल दिया गया इसमें टोमेटो सॉस, जिससे और बढ़िया टेंगी टेस्ट आने वाला है। और ऊपर से डाल दी गई इनमें क्रिस्पी सेव, जो कि इस बेल की खास बात है और एकदम खास रहने वाला है। ये बेल भी खाने में भी और आपको देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, और जो इसकी सुगंध आती है ना भाई, वाह भाई, एकदम लाजवाब रहने वाली। और देखिए इसका जो कलर आ रहा है ना भाई, एकदम बढ़िया सा, देखिए ऑरेंज कलर आ रहा है। और देखिए जो इनका सर्व करने का तरीका है ना, वो भी बहुत बढ़िया है, जैसे कि उछाल उछाल के बेल को ये सर्व करते हैं। ये देखिए भाई, एकदम जैसे लग रहा है बॉल को हवा में उछाला है ना, वैसे उछालते हैं। और ये हो गई अपनी बेल एकदम रेडी, तो इसको तो ट्राई करना बनता है, और आपको ट्राई करके दिखाएंगे कि इसका टेस्ट कैसा आने वाला है। तो ये आ गई अपनी बेल, देखिए भाई ये आ गई इनकी स्पेशल बॉम्बे वाली कोल्ड बेल। आपने चाइनीज में नूडल वाली बेल तो खाई होगी, वो होती है गर्म, ये रहने वाली ठंडी। तो करते हैं भाई इसको ट्राई, तो बहुत ही आपने देख तो लिया है कैसे बनी है ये। ये भाई ले ली इसकी बाइट, रहने वाला भैया अपना प्रभु भाई। और ये अपना भेल आपने कब बनाना स्टार्ट किया था? ये तो 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए। और अपने पास में कितने टाइप की भेल मिलती है? एक टाइप की। ये चाइनीज वाली जो कोल्ड भेल रहती है, यही? ओके। क्या प्राइस रहता है भैया इसका? 30 रुपये। और अगर ये भेल खानी हो तो कहाँ पे आना रहेगा? ये अड्डा जन प्राइम मार्केट सूरत। ओके, क्या नाम रहता है अपना? श्रीदेव चाइनीज। श्रीदेव चाइनीज भेल।